फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हर्ष विहार थाना क्षेत्र में झगड़े के दौरान हुए घायल युवक की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई। उत्तर पूर्वी जिला के हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक युवक अपने चाचा के पास से कुछ रुपए लेकर घर आ रहा था। जैसे ही वह हर्ष विहार इलाके में शुक्र बाजार के पास पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मामला हर्ष विहार थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों का आरोप है कि पिटाई करने के बाद आरोपियों ने खुद कॉल करके युवक के घायल होने के बारे में जानकारी दी थी। घायल युवक का नाम सुधीर शर्मा, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। उसके बड़े भाई अंकित शर्मा को कॉल आई थी। कॉल आने के बाद अंकित शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां बताया कि घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां 5 मई की सुबह इलाज के दौरान मौत हो जाती है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। सुने आप पीड़ित परिवार की बाइट। नाम क्या था, कब की घटना है ये? लड़के का नाम सुधीर शर्मा था। 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को अपने चाचा के साथ में वो काम करता था और चाचा के पास से निकला था शाम को। उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे उसको। कितनी एज होगी लड़के की? लड़के की एज 26 साल। और क्या काम करता था, कहां पर काम करता था? वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे रोड़ी मलबे पे चाचा के साथ मतलब काम करता था। एक्सपायर कब हुआ है वो? वो आज सुबह। अच्छा, ये जिन लड़कों ने मारा है उनकी कोई पहचान हुई या वो आपसे दुश्मनी थी? पहचान आयो साहब के पास होगी, या फिर मतलब जो आते समय पे भाई के साथ आया था अपने के, उनको ये बता रहा था कि मेरे पैसे छिन गए और मेरे को पीटा है। जहाँ पीटा था वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके गए थे या घर आया था वो? सीधा हॉस्पिटल। एक्सपायर कब हुआ है वो? वो एक्सपायर आज सुबह। इसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का रोल ये बनता है कि ये मतलब जब लड़के को चोट थी तो उनको सुनवाई करनी चाहिए थी। जब थाने में यहाँ से MLC जा चुकी है, 100 नंबर की कॉल वहाँ से भी हो चुकी है, MLC यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको ये सुनवाई करनी चाहिए थी। यहाँ पे आयो साहब आते हैं लेकिन कोई उसकी उसमें सुनवाई नहीं करते। ठीक।